वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं 370 और 371 आर्टिकल, जो 370 और 371 के बीच में काफ़ी सारी जो पार्टीज हैं वो बात कर रही हैं कि जैसे 370 को जैसे एब्रोगेट कर दिया गया, क्या 371 भी एब्रोगेट कर देंगे क्या वो? तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये 371 आर्टिकल जो है वो किसको स्पेशल स्टेटस देता है? क्या ये सिमिलर क्या सिमिलैरिटी है इन 370 और 371 के अंदर? उन चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, अभी फिलहाल पूरी वीडियो बनाना इस 370 के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने अभी फिलहाल छोटी एक वीडियो रखी है ताकि अभी फिलहाल आप समझ पाऊँ कि कितने ऐसे स्टेट्स हैं जिनको 371 के अंडर जो है वो स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजन मतलब प्रोवाइड किया गया है, और क्या उनके रीज़न था, क्यों उनको प्रोवाइड किया गया, और कौन कौन से वो स्टेट हैं इनके, हम ये देखेंगे। और आने वाली जो वीडियो होगी हम ये देखेंगे कि क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है 370 और 371 के बीच में। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, जो 371 आर्टिकल है, 371 आर्टिकल जो स्टार्ट होता है 371 से 371J तक, यानी ABCD ऐसे जो अल्फाबेट है हमारे J तक जाते हैं। जो आर्टिकल 371 से 371 के J के पार्ट X X मतलब कि 21वें पार्ट में है ये। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल स्पेशल प्रोविजन फॉर, और ये जो 71 आर्टिकल है ये 12 राज्यों को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। मीनिंग जैसे कि इसमें 12 राज्यों में से महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटका, ये 12 राज्य जो हैं वो 371 से लेके 371 के जे, यानी हर एक को एक अलग अलग आर्टिकल वो अमेंडमेंट करके उनको दिया गया है। क्लियर? और इनके पीछे जो रीज़न दिया जाता है कि ये जो स्पेशल स्टेटस देने के पीछे, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करने के पीछे, ये कहा जाता है कि जो वहाँ के जो बैकवर्ड जो लोग थे और जो वहाँ के जो ट्रिबल लोग थे, उनके कल्चर को, उनके इकोनॉमिक को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लोकल जो पीपल थे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ की जो लैंड था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें ये आर्टिकल बना, ये जो 371 के अंतर्गत जो मतलब इनको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराना पड़ा, जो इन्होंने ये रीज़न दिया कि वो उन लोगों के जो बैकवर्ड रीजन हो गया और कल्चर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, जो ट्रिबल पीपल हो गए उनको वो बचाना चाहते थे। जो डिस्टर्ब चल रहा था बहुत ज़्यादा वहाँ, क्या लो जो है और लो एंड ऑर्डर वहाँ बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, उस कंडीशन पे ये चीज़ बनानी पड़ी, इनको ये प्रोवाइड कराना पड़ा ये जो स्पेशल प्रोविजन। और बात करें तो जब ये 371 आर्टिकल की बात करते हैं तो ये संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई संविधान में कुछ लिखा गया हो कि 371 इनको दिया जाएगा, नहीं। ये बाद में जो है वो अमेंडमेंट करके, जब उनको लगा कि हाँ अब इसको शामिल करना है, तो वो अमेंडमेंट करके इनको बाद में सम्मिलित यानी इसमें मिलाया गया, और इसमें फिर धीरे धीरे कुछ और उसके अंदर सुधार किए गए, और किसी राज्य को भी मतलब कि जैसे गोवा हो गया उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी से हटा के, बहुत सी चीज़ों को यूनियन टेरिटरी ना बना के राज्य का दर्जा दे देना, ये बहुत सारी चीज़ें हमने देखने को मिलती हैं इसके अंदर। और एक नोट जो इम्पोर्टेंट है कि जो पार्ट 21 है, 21 ये पार्ट में जो ये बताया जाता है कि ये टेम्पररी और ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं, मतलब कि इस आर्टिकल को 371 को प्रेसिडेंट जब चाहे एब्रोगेट कर सकता है, जैसे कि 370 को उन्होंने कर दिया है। अब काफ़ी सारे इसके ऊपर हंगामा ये मचा रहे हैं कि 370 जैसे हट गया वैसे ही क्या 371 भी हट जाएगा क्या? अब देखो, जो 370 के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें थी वो 371 में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ में जो ड्यूल सिटीजनशिप चलती थी, 371 में ऐसी कोई ड्यूल सिटीजनशिप नहीं चलती है, और ना ही यहाँ पे जो ये 12 स्टेट हैं इन 12 स्टेट्स का कोई अलग से कोई झंडा है, या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ की अगर एक लड़की शादी करती है, सपोज करो अगर वो गोवा की लड़की वो शादी कर ले पंजाब की लड़की है, पंजाब के लड़के से या फिर जो भी हो, तो ये नहीं कि जो अगर उस लड़की की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट अपने नाम कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो 370 आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कुछ था, यानी 335 आर्टिकल भी आता है इसके अंदर, जो ऐसा प्रोवाइड करता था उनको, ऐसा चीज़ें देता था, बस ये प्रोटेक्ट कर रहा है उन चीज़ों को। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा रिग्रेस या फिर एक मतलब कि लोगों को दबाने वाला एक आर्टिकल है। और
नेक्स्ट जो है वो 371 के अंतर्गत, जो पहला जो 371 है उसके अंदर महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टेटस जो प्रोवाइड किया गया है। 371 के अंदर नागालैंड आता है, 371B के अंदर आसाम आता है, फिर 370C के अंदर मणिपुर आता है, और 370D के अंदर आंध्र प्रदेश के स्टेट यानी तेलंगाना भी आता है यहाँ पे, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो प्रोवाइड की जाएगी ये एक अलग आ गया। इसके अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब एस्टेब्लिशमेंट उसके निर्माण करना भी है। और 370F के अंदर जो है वो सिक्किम को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। 371 के अंदर 371G के अंदर मिजोरम को, और H के अंदर अरुणाचल प्रदेश, I के अंदर गोवा, और J के अंदर वो कर्नाटका को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो ये जो थी आज की एक छोटी मोटी नॉलेज थी कि भाई 371 में आखिरकार कितने स्टेट्स ऐसे हैं जो 371 के अंडर आते हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। अब क्या क्या इनके प्रोविजन हैं, क्या क्या इनको पावर दी गई है, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, और फिर हम कंपेयर करेंगे 370। अब 370 को भी हम देखेंगे एक अलग से पूरी एक वीडियो बनाने, ताकि ये समझ पाए कि 370 और 371 में डिफरेंस क्या है, जैसे ये खत्म करने क्या इसकी कोई जरूरत है 371 को। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं आने वाली वीडियो के अंदर, तो बने रहिए अपने इस चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।